मित्रों, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में भी जब मैं यहाँ आया तो अन्य जगहों के राजभवन और यहाँ के राजभवनों के संदर्भ में ये था कि सामान्य तौर पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राजभवन के अधिकारियों से, सचिव राजेश शर्मा से इस पर बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था, भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए ताकि जनता आकर के यहाँ देख सके कि क्या है। कुछ चीजें जो यहाँ बहुत अच्छी हैं, ऐतिहासिक हैं, जैसे शिमला समझौता यहाँ हुआ, यह ऐतिहासिक भवन है जो धरोहर के रूप में है। शिमला के अधिकांश ऊंचे स्थानों में से एक यह भी स्थान है जहां ऊंचाई पर यह भवन बना हुआ है। शुरू में यह राजभवन नहीं था, लेकिन अब राजभवन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। शुरू में जो राजभवन था वो एक बार आग लगने के नाते उसमें से ट्रांसफर किया गया, फिर इसमें आया, और वहां अब होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो एक जो एकांगीपन था राजभवन का, उस एकांगीपन को मैंने तोड़ने का काम किया, ताकि राजभवन भी ये महसूस कर सके कि नहीं, बाहर के लोग भी आकर के मुझसे मिल सकेंगे, हमको देख सकेंगे। हमारे अंदर जो कुछ केवल है तो दर्शन ही है, लेकिन दर्शन कोई नहीं कर पाता था। जैसे स्वतंत्रता के पहले के सैनिकों के हथियार है, वो सब यहाँ है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद के कुछ है तोप इत्यादि हैं जो यहाँ पर हैं, तो लोग नहीं देख पाते थे। उसको सोच समझ कर करके मैंने राजभवन को आम जन के लिए खोलने का निर्णय लिया। 15 अगस्त को उसका विधिवत उद्घाटन हुआ था, और आज से शनिवार और रविवार का समय तय किया गया था कि लोगों के लिए छुट्टियां भी रहेंगी, वो आ करके देख सकेंगे। ये भी हो सकता है कि समर वेकेशन की स्थिति में विशेष परमिशन लेकर के भी अगर लोग आएंगे, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि शनिवार रविवार यहाँ बाहर का आया हुआ व्यक्ति रह पाए, तो उस स्थिति में विशेष परमिशन लेकर के भी यहाँ आ करके यहाँ राजभवन को देख सकता है। यहाँ का जो वैभव कलाकृति का है वह देख सकता है। इस नाते आज बच्चों को, जन सामान्य को, आप सभी लोगों के माध्यम से मुझे लगता है कि न केवल हिमाचल बल्कि बाहर भी लोग देख सकेंगे। अब एक हिमाचल के लिए एक विपरीत परिस्थिति आज जरूर है कि जिस प्रकार से बाढ़ के कारण यहाँ काफी नुकसान हुआ, जन का हुआ, धन का हुआ, तो वह एक विपरीत परिस्थिति रही है। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुधरने की स्थिति आ रही है, राजभवन भी उसमें सहयोगी रहा है। अब तक विभिन्न जिलों में रेड क्रॉस के माध्यम से हमने 11 ट्रक यहाँ से भेजवाने का सामान काम किया है। अभी कल भी 3 गाड़ियों को भेजने का काम किया है, तो वो भी चल रहा है। इस बीच आज से राजभवन को पूर्ण रूप से जनता के लिए हम लोगों ने खोलने का जो निर्णय लिया था उसको पूरा किया है, और मैं समझता हूं कि इससे
इस राजभवन के वैभव को, इस राजभवन के समृद्धि को, राजभवन में हिमाचल की छिपी हुई संस्कृति को लोग आएंगे, देख सकेंगे और जाकर के अपनी बात अपने लोगों के बीच में कर सकेंगे। धन्यवाद। अगर यहाँ के अगर सुरक्षा की अगर बात करें खासतौर पर, तो किस तरह की वो चीज़ें रहने वाली हैं ताकि जिससे जो यहाँ पर सैलानी या स्थानीय लोग जो आना चाहें उनको भी दिक्कत ना हो और अंदर की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बनाए रखी जाए? देखिए, राजभवन जो देखने का काम होगा वह पूरा नीचे के ही पोर्शन का वो सब कुछ है, अभी इसी में ऊपर केवल आवासीय व्यवस्था है। आवासीय व्यवस्था को छोड़कर के सब देख सकेंगे। गेट पर आकर के कोई भी अपना आई कार्ड दिखा करके, आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र दे करके, फिर एक बाहर के लोगों के लिए एक निश्चित शुल्क है, बच्चों के लिए पूरी तौर पर मुफ्त है, आप लोगों के लिए भी मुफ्त है। और इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए ये मुफ्त है। 30 रुपए का शुल्क रखा गया है, जो भी अन्य लोग आएंगे वह 30 रुपए के शुल्क देकर के जो है राजभवन में आकर के मेंटेनेंस करने के लिए उसको देख सकेंगे। कुल कितने इसमें कमरे हैं और क्या ये सभी जगह जो आवासीय उसको छोड़कर जो है सभी जगह जा पाएंगे? आवासीय छोड़ करके सभी जगह जा पाएंगे। कितने कमरे हैं? छह कक्ष नीचे की स्थिति में है, फिर और तो बाहर जो दर्शनीय स्थल है उसको वो है। सर, बीच में बात है कि रेनोवेशन भी करेंगे इसका, बिल्डिंग का कई मीडिया रिपोर्ट इस तरह के एक बड़े ओवरऑल रेनोवेशन की जरूरत है इस बिल्डिंग में। मुझे लगता है कि इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए इससे बहुत छेड़छाड़ करने की आवश्यकता अभी फिलहाल मैं नहीं महसूस करता हूँ। समय समय पर जो भी आवश्यकता वो होगी उसको करेंगे। सर, ये जो पार्किंग की एक समस्या है, जो अगर इतने लोग आते हैं जैसे टूरिस्ट सीजन में बहुत होंगे, क्राउड बहुत होगा, तो उनकी गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी? या लोकल लोग आते हैं तो पार्किंग की बहुत समस्या, राजभवन के आसपास इतनी ऐसी जगह नहीं है जहाँ गाड़ी पार्क हो, उसकी क्या व्यवस्था करेंगे? उसके लिए किया गया है कि नीचे से जैसे गाड़ियां ऊपर को आएंगी या वो ना बाहर चौक है उस तरफ से आएगी, तो इन्हीं जगहों पर इनके लिए पार्किंग का उस वक्त टेम्परेरी व्यवस्था रहेगी और जैसे ही वो अपना विजिट पूरा करके जाएंगे तो वहीं से वापस। सर, इस बार इस बार फ्लड्स जो आए उसमें काफ़ी ह्यूमन लॉस भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करे, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर? विल यू टेक दिस अप विद द सेंटर? देखिए, मैं स्वयं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिला हूँ, यहाँ के पहले चरण के आकलन को मैंने उनसे दिया भी था। समय समय पर जो सहायता उनको देनी थी उन्होंने दिया भी है। शेष विषय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के दिल्ली में बात करते हैं, प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं, गृहमंत्री से भी बात करते हैं। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भी जाकर के बात करते हैं, यह एक राजनीतिक विषय है, इस नाते इसको राजनीतिक विषय के आधार पर उन लोगों को ही इस पर बात करने देना चाहिए, मुझे इसमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। सर, आप खुद बहुत से स्पॉट पर गए हैं, आपने सिचुएशन देखी है, क्या कुछ आपको लगता है एडिशनली जो स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही रही है, एडिशनली कुछ किया जा सकता है स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को अधिक सहायता के लिए? क्योंकि मैं अनेक स्थानों पर गया हूँ और इसी नाते मैं शुरू में भी बताया कि स्थान पर जाने के बाद ही मुझे लगा कि राजभवन को भी इसमें पूरी तौर पर सक्रिय होना चाहिए। उसी सक्रियता के आधार पर जो हमारे यहाँ से रेड क्रॉस के माध्यम से जिसका अध्यक्ष राजपाल हुआ करता है, 11 गाड़ियां जो विभिन्न स्थानों पर मैंने भेजने का काम किया है उसी सहायता के दृष्टि से किया है। राजभवन की एक निश्चित सीमा होती है, उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए भी बिना राज्य सरकार के कहे हमने यह कार्य किया है और मैं समझता हूं कि मैं हमारा कर्तव्य एक राज्यपाल के नाते होता होना चाहिए। यहां भी
समारिल पर और जगहों पर कृष्णानगर में जहां भी जाना था वहां मैं सबको लेकर के अपने सचिव को एडीसी को सबको लेकर के पहुंचा भी हूं, वहां की जानकारी भी किया हूं। और चूंकि मैं मैदान का हूं तो मुझे उतना पहाड़ पर चलने की आदत नहीं, फिर भी मैं सोलन जिले के उस स्थान पर गया जहां बहुत बचाव बचा करके मुझे जाना पड़ा था, जदौन। जदौन में लगभग 2 किलोमीटर हम उस तरह से किसी तरह से ये गए, लेकिन स्पॉट मैंने कोई नहीं छोड़ा। मैंने यह प्रयत्न किया कि नहीं, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आज हिमाचल वासियों के साथ और हिमाचल में आए हुए जो टूरिस्ट हैं उनके साथ, जो मजदूर हैं उनके साथ अपने को जोड़ना चाहिए, और निश्चित रूप से मैंने उसको जोड़ने का काम किया है। सर, जिस तरह से राजभवन भी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया है, सारी जो आपदा आई है उसको मॉनिटर किया है, ओवरव्यू किया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के एमपी हैं वो जाके केंद्र सरकार से बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह की जरूरत चाहिए हिमाचल प्रदेश को, जितना नुकसान हो चुका है, जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सारे एमपी जो हैं वो वहां पे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में यह प्रश्न न तो आपको पूछना चाहिए न तो मुझे इसके जवाब देना चाहिए। सर, जिस तरह से प्रदेश में नुकसान हुआ है, सर क्या आपको लगता है कि कोई नेक्स्ट इस तरह स्टेप्स उठाने होंगे कि जिससे आगे इनको मिटिगेट किया जाए या ज्यादा ना इस तरह से? देखिये, सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नगर नियोजक निश्चित रूप से इस बात को सोचे कि शिमला को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह से अनियंत्रित निर्माण यहां हुए हैं, पता नहीं नक्शे पास हुए कि नहीं, मैंने इस बात को नहीं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हुए हैं, पहाड़ियां कच्ची हैं, इस नाते आगे के संदर्भ में भी निर्माण इत्यादि को बहुत सोच समझ करके उसके नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए कि और कहां बसने लायक है वहीं पर बसाना चाहिए, जहां नहीं बसने लायक है वहां को किसी न किसी स्तर पर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। सर, क्या आप भी सरकार को इस बारे में संदेश देंगे कि जिस तरह से आपदा आ रही है, शिमला की केरंग की बस्ती, जंगलों का एक उम्र पूरा करना, ड्रेनेज सिस्टम, और जिस तरह से पहले शिमला में इस तरह की इमारतें बनी होती थी, आपने देखा कि शिमला में देखा होगा जितनी भी ब्रिटिश टाइम की जो बिल्डिंग जो सड़कें बनी या डंगे बने अभी तक नहीं टूटे, तो क्या आपकी सरकार को इस बारे में कुछ सलाह देंगे? मैंने नगर नियोजक की बात इसी नाते कही है कि नगर नियोजक जो भी हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी हैं और सब लोग भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मिल करके सरकार के साथ एक बैठक करनी चाहिए और बैठक करके ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि शिमला को कैसे हम पुराने शिमला में तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके गौरव को कैसे स्थापित रख सकते हैं।